Hello and welcome on Zontech Digital Platform. So, friends, today we are going to deal with one of the most important chapter of Indian economy. It is banking system of India. Previous classes we have discussed on the first half of Indian economy. The session was designed as per basics, fundamentals, and concept of economy. And that session we had discussed different dimension of economy. Likewise, uh, definition of economy, branches of economy, and are open and closed economy and different types of several aspects regarding indian economy basic economy were discussed in previous classes you can check out with playlist store about this uh, i button and you can visit this particular session and today we are going to deal with the second half of indian economy and truly based on and designed for your particular exam AE and other state level preparation so in this session we will discuss the basics of banking

तो जैसा कि फॉर हिंदी यहां मैं बात कर रहा हूं कि आज हमारा जो सेशन है वो इंडियन इकोनॉमी पे रहेगा इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट पार्ट था जो फर्स्ट हाफ था वो आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो जिसके अंदर बेसिक्स हमने समझे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ के अंदर जो बेसिक्स क्या है उसकी फंडामेंटल्स क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है जो सेकंड हाफ है वो बैंकिंग सिस्टम को लेके देख रहे हैं क्योंकि बैंकिंग का पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है Uh, अगर आप देखेंगे सेंट्रल लेवल के एग्जाम और स्टेट लेवल दोनों एज वेल well, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ये पूरी क्लास है वो आपकी आर पी एस सी के लिए डिजाइंड है जो आपका सिलेबस है इसके अंदर बैंकिंग लिखा हुआ है बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज आई थी कि सर बैंकिंग्स को आप समझा दीजिएगा सो ये ऑनलाइन सेशन आप सबके लिए टेलीकास्ट है तो आप सब लोग इस सेशन को एक तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं इसके साथ सो so, हम स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी आज हम पढ़ेंगे और उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो बैंकिंग है उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे बैंकिंग से रिगार्डिंग जितना भी नट सेल के अंदर मैं समझा सकता हूँ उतना ट्राई करूंगा क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड है उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर पूरा टॉपिक तो नहीं हो सकता है बट हम शॉर्ट एंड सिंपल स्मार्ट वे के अंदर इस टॉपिक को कंक्लूड करने की आ, कोशिश करेंगे सो so फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमी क्या है वॉट इज द इकोनॉमी डेफिनेशन रिसोर्सेस मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड साइकिल के बारे में प्रीवियस का आपको आई बटन के अंदर है, में लिंक मिल जाएगी वहां से आपको पार्ट वन देखना है और जो नेक्स्ट पार्ट है आज बैंकिंग सिस्टम उस पर हम डिस्कस करेंगे अगर थोड़ा सा नट शैल में अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो बेसिकली जो इकोनॉमी है इकोनॉमी इज अबाउटक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्प्शन ये बेसिक तीन चीजें इसके अंदर आ रही है एरिया ऑफ स्टडी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजन ये पूरे साइकिल पर इकोनॉमी रहता है बेसिकली इसके अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई उसकी हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक के अंदर उसके बाद यहां पर इंपोर्टेंट चीज आती है रिसोर्सेज बेसिकली इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी को हम देखें सब्जेक्ट के तौर पर तो यहाँ पे एक तरीके से ऑप्टिम यूज ऑफ रिसोर्सेस जो भी आपके पास संसाधन है उसका दक्षतापूर्ण उपयोग करना ये बेसिक इकोनॉमिक है और एक यहां पे एक चीज ये भी क्लियर करनी है कि यहां पे जो इकोनॉमी है और दूसरा वर्ड आएगा, आएगा आपका इकोनॉमिक्स वो टर्म साउंड्स टू बी सिमिलर बट देर आर मार्जिन डिफरेंस जो आपका इकोनॉमी है और इकोनॉमिक्स ये जो इकोनॉमिक्स इट्स थोरटिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी और जो इकोनॉमी है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो शब्द इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके से सैद्धांतिक रूप है और जो आप इकोनॉमी एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल अप्रोच है इसलिए इसे इकोनॉमी कहा जाता है जैसे आपने नाम सुना होगा सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी तो दोनों का डिफरेंस मेजर यही है कि एक थियोरटिकल आस्पेक्ट है और दूसरा इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेज पर पूरी इकोनॉमी आप एक तरीके से आप मान सकते हैं बैलेंस्ड है और रिसोर्सेस क्या होते हैं रिसोर्सेज आप जानते हैं मैन मेड होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं नेचुरल होते हैं जैसे फॉरेस्ट है फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोसेज है जिसकी मोनिटरी वैल्यू नहीं है दूसरा आप देखेंगे आर्टिफिशल uh, रिसोर्सेज जैसे कोई चेयर है जैसे कोई ए uh, है इसका किसी का मॉनिटरी वैल्यू और इसको मैन मेड है मानव निर्मित इसके अंदर रखा जाता है नेक्स्ट है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी का बेसिक मीनिंग क्या है ये सब चीजें प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको समझा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा फास्टली स्विफ्टली ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए मैक्रो इकोनॉमी का सेंस ये है कि जैसे पर्टिकुलर हम जहाँ रह रहे हैं अभी जयपुर के अंदर ओके okay? जयपुर के अंदर रह रहे हैं और ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी सात आठ टाइप्स के स्कूल हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि यहां पे इस मैक्रो इकोनॉमी के अंदर और यहां पे जैसे माइक्रो की बात करते हैं यही जयपुर है अब मैं यहां इसी जयपुर का ये एरिया ए है आ, इसको कर देते हैं फर्स्ट जयपुर फर्स्ट और जयपुर सेकंड ये पर्टिकुलर एरिया हमने मान ले कि जयपुर ईस्ट है और एक जयपुर साउथ है अगर मैं कहता हूं कि जयपुर ईस्ट के अंदर जितनी भी स्कूल्स हैं उस सब का अगर आप एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कितना स्टाफ है कितने स्टूडेंट है सब के बारे में आप डिटेल लोगे टोटल एंटायर तो वो आपका हो जाएगा मैक्रो और मैं पर्टिकुलर कह रहा हूं कि जयपुर इसी ईस्ट के अंदर पर्टिकुलर स्कूल ए है उस ए के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए कितना स्कूल के अंदर स्टाफ है कितना रेवेन्यू जनरेट है कितना टर्नओवर हो रहा है कितना स्टाफ का सैलरी है स्टूडेंट्स कितने हैं सोर्सेस कितने है, वो पर्टिकुलर आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमी तो मैक्रो इकोनॉमी एक तरीके से डिटेल एनालिसिस देता है एंटायर एरिया का डिटेल वो मैक्रो के अंदर होता है और माइक्रो यानी आ, एक तरीके से कह सकते हैं कि स्मॉलर सेक्टर ऑफ यूनिट जो भी आ, सेक्टर है उसका स्मॉलर जो है बहुत कम पोर्शन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपके एक तरीके से माइक्रो हो जाता है मैक्रो एंड माइक्रो और इंटायर इंडिया के अंदर आप देखोगे तो मैक्रो के अंदर सब चीज़ें आती हैं जैसे आप देश के अंदर देख रहे हैं कितना राजस्व आ रहा है कितना घाटा है कितना डेफिसिएट है साथ में पॉवर्टी कितनी है है अनएम्प्लॉयमेंट कितना वो सभी मतलब जैसे कोई country है, country है, और यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो कंट्री ए है उसके अंदर एक तरीके से वो इतनी कैपेबल है कंट्री ओन कैपेबल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो रहा है वो खुद कंट्री या देश इतना खुद ही रिसोर्सफुल है कि वहां पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो रहा है तो एक तरीके से ये क्लोज इकोनॉमी हो गया और जहां पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है तो वो आपका हो गया ओपन इकोनॉमी और अभी हम करंटली प्रैक्टिकल वर्जन में देखें तो यहाँ पे लगभग लगभग आपको ओपन इकोनॉमी ही देखने को मिलेगी क्लोज इकोनॉमी तो किसी का एक तरीके से रहा ही नहीं जैसे पहले ब्राजील वगैरह ये थे बट आज इकोनॉमी ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और देश के विकास के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो होता ही है नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या है कि जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उसके बारे में आपको समझना है जैसे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर लेट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आपने जो भी ड्रेसेस पहने कोई भी कपड़े की बात करते हैं ये जैसे फैब्रिक है अब ये फैब्रिक आया है आपके कॉटन से और ये जो कॉटन का प्लांट लगा हुआ है वो आपके एग्रीकल्चर के अंदर लगा हुआ है किसने लगाया है फार्मर ने और एक तरीके से ये नेचुरल पार्ट है तो ये वाला जो सेक्टर हो गया जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर अगर इसी प्राइमरी सेक्टर से ये रॉ मटेरियल आया कंपनी के अंदर और यहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चर वाला जो सेक्टर है ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर और बाद में जाके यही जो एक तरीके से फैब्रिक है वो हम मॉल में जाते हैं शॉपिंग्स के करते हैं या दुकानों के अंदर जो सेल होता है रिटेल के अंदर वो एक तरीके से सर्विस सेक्टर है तो ये तीन टाइप के सेक्टर हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर एंड डायरेक्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ से जैसे एग्रीकल्चर देखा होगा आपने फॉरेस्ट्री फिश फिशिंग वगैरह ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं डेयरीज वगैरह जैसे आप सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे तो जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट आया है वो रॉ मटेरियल जाके या मैन्युफैक्चर्ड होता है वो एक तरीके से इसे कहा जाता है निर्माण विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है हिंदी के लिए तो सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड टर्सरी सेक्टर का मतलब ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर है जहां से आपको सर्विस मिलती है तो ये आपका सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है जैसे आपका ट्रांसपोर्ट है उसके बाद टूरिज्म है होटल है बैंकिंग है ये सब आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं जैसे यहां भी मैंने शॉर्ट में बताया मैक्रो एंड माइक्रो अभी मैंने पूरा आपको समझा दिया और मैक्रो और माइक्रो का मतलब क्या है मैक्रो मतलब होता है शॉर्ट डिटेल ऑफ एंटायर कंट्री इकोनॉमी जो आपके पूरा एक तरीके से एंटायर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती है कंप्लीट उसके अंदर वो आपका मैक्रो हो जाता है माइक्रो मतलब स्मॉलर सेक्टर ऑफ यूनिट जो शॉर्ट डिटेल होता है वो एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर होता है वो माइक्रो होता है ओपन और क्लोज की भी यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो सेक्टर की अगर मैंने आपको बात की थी देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा है फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर सेकंड सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीन टाइप के यहाँ पे सेक्टर हैं इस इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स में आपको समझना इंपॉर्टेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ये तीनों डायमेंशन पे पूरी इकोनॉमी चलती है आपने देखा होगा कोई भी चीज प्रोडक्ट होती है फिर उसका हम कहने का मतलब वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती सब जगह अलग जगह और उसके बाद कंजप्शन जो फाइनल जो गुड्स होते हैं उसका कंजप्शन होता है इस तरीके से साइकिल ही चलता रहता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर है और ट्रेशरी सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर के अंदर है कि वैन गुड इज प्रोड्यूस बाय एक्सप्लोइटिंग द नेचुरल ने रिसोर्सेज जो नेचुरल ने 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 रिसोर्स से जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एक तरीके से हार्वेस्ट हो रहा है जैसे एग्रीकल्चर में देखा होगा फिशिंग के अंदर वो आपका प्राइमरी सेक्टर आता है सेकेंड के अंदर आता है एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन टू मैनुफेक्चर गुड्स जो रॉ मटेरियल है सिंपल लैंग्वेज में समझिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल किस तरीके से एनहांस होकर मैनुफेक्चर गुड्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है और जो टर्शरी सेक्टर है एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर यानी इसे कह रहा इट शुड से इट वॉज इट इज अ सर्विस सेक्टर जहाँ से आपको सर्विस मिलती है टूरिज्म होटल बैंकिंग ट्रांसपोर्ट ये सभी आपके इस टर्सरी सेक्टर के आंदे टर्सरी uh, सेक्टर के अंदर आते हैं इसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है सेवा क्षेत्र अब हम बात कर रहे हैं हमारा जो मेन टॉपिक है बैंकिंग सो बैंकिंग आप समझते हैं इट इज वेरी सिंपल एंड जनरल डायमेंशन ऑफ इकोनॉमी बैंकिंग को कहे एक तरीके से इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्टिपोजिट मनी एंड एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंडिट एंड लैंडिंग मनी एक तरीके से इसे कहा जाता है बैंकिंग बैंकिंग इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपोजिट ऑफ कस्टमर एंड लैंड क्रेडिट्स और लोन तो हम कह सकते हैं कि बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जो ग्राहकों की जमा को स्वीकार करता है और उसे उधार या लोन देता है जो जरूरतमंद है रिक्वायर्ड पीपल तो वो आपका एक तरीके से बैंकिंग है देखिए थोड़ा हिंदी इंग्लिश मीडियम में, में प्रॉब्लम होगा क्योंकि आ, कुछ सेशन अगर एक ही फॉर्मेट में होते हैं तो फ्लो सही रहता है थोड़ा हिंदी इंग्लिश में स्विच होने में थोड़ा सा लैग आपको फील करना पड़ेगा सो डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग के अंदर आप समझ सकते हैं कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये एक तरीके से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है जैसे हम लोग जाते हैं बैंक के अंदर तो हमारी जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और हमें क्या देता है लैंडिंग मनी लोन जो हमें जरूरत होती है वो हमको क्रेडिट प्रोवाइड करता है वो बेसिकली आपका बैंकिंग है अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इसको आप समझिएगा सेकेंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्या है देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी है अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट्स क्रेडिट लैंडिंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द कैपिटल मार्केट ये आपकी एक तरीके से बैंकिंग की डेफिनेशन है या वित्तीय संस्था हिंदी में कहा जाए बैंक वह वित्तीय संस्था है जो ग्राहकों की जमा को स्वीकार करें और इन्हें एक तरीके से जब जरूरतमंद लोगों को ये दे सके लोन या क्रेडिट उधार दे सके तो ये आपकी बैंकिंग की डेफिनेशन है नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैंकिंग का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ तो जो बैंकिंग की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा हम देखें तो आप समझ सकते हैं बैंकिंग की हिस्ट्री के अंदर हमको जाना पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी ब्रिटिश राज था उस समय हमें समझना होगा कि बैंकिंग सिस्टम तब से चल रहा है इसके पीछे भी एक रीजन था फ्रेंड्स कि एटीन सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर आपने नाम सुना होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति और साथ में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ वहाँ पे व्यापारिक केंद्र भी बढ़ने लगे जो ट्रेड सेंटर है वो भी बढ़ने लग गए और नाम सुना होगा आपने ईस्ट इंडिया कंपनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी अलग अलग स्थान पर बेसिकली अलग अलग स्थान पर इनकी फैक्ट्रियाँ होती सूरत कोची आपने नाम सुना होगा तो इनका जो फाइनेंस था इनका जो पैसा कलेक्ट होता था और इसको वापस एक्सपोर्ट करना है एक तरीके से जो एक्सचेंज था उस लिए यहाँ इसलिए वहाँ पे जरूरत पड़ी बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो फर्स्ट के अंदर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर हम देखेंगे कि उस समय ब्रिटिश इंडिया जैसे आपको स्लाइड पर मैप दिख रहा है यहां पे तीन बेसिक प्रेसिडेंसी थी नाम आता है प्रेसिडेंसी क्या है प्रेसिडेंसी? इसे समझिए जब ब्रिटिश इंडिया का रूल था यहां पर भारत के अंदर तो तीन बेसिक प्रेसिडेंसी थी एक तो था आपका बंगाल दूसरा आपका था बंबई और थर्ड था आपका मद्रास ये बेसिक तीन यहाँ पे प्रेसिडेंसी थी प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बॉम्बे एंड लास्ट मद्रास तो यहाँ ये प्रेसिडेंसी यूनिट थी और बेसिकली प्रेसिडेंसी का मीनिंग ये होता है कि जो ब्रिटिश इंडिया था उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था यहाँ पे पूरा एक तरीके से कंट्रोल होता था अलग अलग सेक्शन में जैसे आप देख रहे हैं ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ये मद्रास प्रेसिडेंसी है और बंगाल प्रेसिडेंसी तो यहाँ इस तरीके से पूरा रूल आउट होता था पूरे एंटायर कंट्री के अंदर तो यहाँ सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक बने थे तीन कौन कौन से बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ कैलकाटा भी कहा जाता है बैंक ऑफ बंगाल और कलकत्ता दूसरा है बैंक ऑफ बंबई या बॉम्बे और थर्ड है बैंक ऑफ मद्रास ये तीन बैंक यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी द थ्री बैंक हैड्स इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास ये तीनों बैंक हुए थे और इनके ईयर आपको याद रखने हैं जैसे एटीन जीरो थ्री आपका बना था एटीन जीरो थ्री आपका था एटीन फोर्टी एंड एटीन फोर्टी थ्री ये बेसिक तीन प्रेसिडेंसी बैंक यहाँ पर बने हुए थे जब ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं अंग्रेजी हुकूमत की बात करते हैं इंडिया कंपनी अब हुआ क्या तीनों का नाम आता है जिसका नाम है चैम्बरलैंड कमेटी ये चैम्बरलैंड कमेटी के सजेशन के साथ यहाँ पे फाइनलाइज किया गया कि इन तीनों बैंकों को मर्ज करना है ऑल थ्री बैंक मर्ज इन सिंगल बैंक और ये जो सिंगल बैंक इन तीनों से मिलकर बना उसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और किसके रिकमेंडेशन से चैंबरलैंड कमिटी के रिकमेंडेशन से तीनों बैंकों को मर्च किया गया तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को और कर लिया एक फाइनल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1923

एक केंद्रीय बैंक था जो उस समय आरबीआई से बनने से पूरे भारत के अंदर जो वित्तीय व्यवस्था है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है मनी कंट्रोल वगैरह ये सब इसी इंपीरियल बैंक से होता बाद में जाके होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 बना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वाला कमेटी तो दो आपको चीजें याद रखनी फिर से मैं रिपीट करता हूँ समझिएगा कि यहाँ पे ब्रिटिश काल के समय में ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा यहाँ पर तीन बैंक एस्टेब्लिश हुए थे कौन-कौन से प्रेसिडेंसी के अंदर जैसे पूरा इंडिया प्रेसिडेंसी के अंदर डिवाइड था एक बंगाल का रीजन था एक बॉम्बे का था और एक मद्रास का था तो फर्स्ट आपका बन गया बैंक ऑफ बंगाल उस समय कलकत्ता इंडिया की जब वो कैपिटल आप समझते हैं उस समय कलकत्ता था तो बैंक ऑफ बंगाल फर्स्ट सेकंड बना था बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और लास्ट में 1843 के अंदर मद्रास से तीन प्रेसिडेंसी बैंक बने थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश हीरा

सबसे लार्जेस्ट बैंक और बैंक आप देख सकते हैं, 1955 से मिलकर बना। और ये का लोगो तो स्लाइड पर दिख रहा होगा इंपीरियल बैंक का लोगो आपको साइड पर दिख रहा होगा और साथ में ये इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया अंडर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन तो अगर हम बात करते हैं इम्पीरियल बैंक की तो यहाँ पे लिखा है इन 1921 द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक वर मर्ज इनटू इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दस एसबीआई इज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया अमंग द बैंक दैट एग्जिस्ट टूडे ये बेसिक वही बात की जो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले 1921 के अंदर ये जो थ्री प्रेसिडेंसी बैंक हैं जैसे बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास इनको मर्ज किया गया और ये आपका बना था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1955 के अंदर इसी बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज किया इसे किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिक फैक्ट के अंदर देखेंगे हमने तो ये तो समझ लिया कि इंडिया के अंदर तीन प्रेसिडेंसी बैंक तीन जो प्रेसिडेंसी बैंक हमने बात कर ली बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास ओके, ये तीनों मिलकर बन गए इंपीरियल बैंक और बाद में जाके इसका नेशनलाइजेशन हुआ और ये बना एस बी आई यहाँ तक का तो हम कॉन्सेप्ट समझ चुके नटशेल के अंदर अब हम बात करेंगे एस बी आई तक की तो बात आई अगर उससे और ज्यादा हम एंशंट टाइम के अंदर जाए और प्रीवियस ईयर में जाए तो हिस्टोरिक फैक्ट पता होने चाहिए कि सबसे पहले बैंक कौन सा बना तो आप जानते हैं जो फर्स्ट बैंक आप है उसका बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान यह आपका एक तरीके से फर्स्ट बैंक था तो यहां लिख सकते हैं हम बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये आपका एक फर्स्ट 1770 के अंदर ये बना था बाद में हाउ इट वॉज फेल्ट एंड सीस्ड हो गया था 1832 के अंदर इसमें काम बंद हो गया था तो आपको सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है कि सबसे पहला जो बैंक है वो आपका एक तरीके से बैंक ऑफ हिंदुस्तान था

यहाँ पे तो हमने बात कर ली सबसे पहला बैंक ये तो आपका हो गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान और 1881 के अंदर विदेशियों के द्वारा स्थापित एस्टेब्लिश बाय फॉरेनर्स और एग्जीक्यूट बाय इंडियंस तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अवध बैंक ये जो अवध बैंक है ये फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक के तौर पर आप देख सकते हैं अवध बैंक ये यह एटीन एटी वन यहाँ पे स्टोरी यही है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूशन ये दोनों फॉरेनर्स के द्वारा था विदेशों द्वारा स्थापित और विदेशों द्वारा संचालित ओके okay. और लास्ट में आपका आपका 1884 के अंदर आपका बनता है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ये एक तरीके से इसको एग्जीक्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट ये दोनों आपका देखने को मिलेगा इंडियंस के द्वारा इंडियन बोर्ड्स के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका एग्जीक्यूशन यानी जो भारतीय द्वारा स्थापित और भारतीय द्वारा संचालित बैंक आपका पीएनबी है 1884 तो ये बेसिक हमने बात कर दी बैंकिंग की हिस्ट्री के अंदर कि जो सबसे पहला बैंक हमारा था बैंक 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 ऑफ हिंदुस्तान 1770 वो बाद बाद में 1832 के अंदर डिसकंटिन्यू हो गया उसके सेकंड 1881 अवध और ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक है ये एक तरीके से विदेशों वी, के द्वारा स्थापित और भारतीय द्वारा संचालित था इसका एस्टेब्लिशमेंट था फॉरनर से और एग्जीक्यूशन था इंडियंस के द्वारा और अगर हम बिल्कुल प्योर बात करते हैं कि बेसिक्स जो फॉरेनर और बेसिक uh, जो इंडियन के द्वारा ही एस्टेब्लिड हो और उनके द्वारा स्वदेशी बैंक भी कहा गया था उनको डाउट था यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम अगर फॉर के हाथ में ब्रिटिश के हाथ में तो यहाँ मिसमैनेजमेंट हो सकता है चांस है इसलिए स्वदेशी बैंक की बात हुई थी तो यह आपका पी है एटीन के अंदर आपका बन चुका था नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर सॉरी uh, ये 1894 है 1894 के अंदर आपका पीएनबी बन गया था अगर हम बात करें फर्स्ट बैंक ऑन एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड हाउ वे द फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक विचवास ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर तो अगर हम बात करें फर्स्ट बैंक ऑन एंड मैनेज बाय इंडियंस तो आपका हो ही जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज बाय इंडियंस ये आपका हो जाएगा पी एन बी और लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड साइड इंडिया लंदन ये आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ इंडिया ऐसा फर्स्ट बैंक था जिसकी ब्रांच लंदन यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी तो ये हमने बात कर ली बैंक के हिस्टोरिक फैक्ट के साथ सबसे पहला आपको याद रखना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान सेकंड अवध कॉमर्शियल बैंक और थर्ड हम बात करते हैं पीएनबी पीएनबी एक तरीके से प्योरली मैनेज्ड बाय और एस्टेब्लिस्ड बाय इंडियंस था स्वदेशी बैंक तो ये आपका फैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम अगर थोड़ा हिस्ट्री में देखें तो यही जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया उसकी ये हिस्ट्री है 1770 की बात हो रही है तो ये आपका बन गया फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान यही हमने अभी डिस्कस किया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉस एस्टेब्लिश सेवनटीन सेवनटी उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक की बात करें तो आपका अलाहाबाद बैंक हो जाएगा ये आपका एटीन में बना उसके बाद आपका है 1881 के अंदर

Historical aspect of banking. जैसे हम बात करें बैंकिंग के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बाद को समझेंगे कि कौन कौन से बैंक के प्रकार हैं। अभी ये सेशन आपका हिंदी मीडियम में चल रहा है बाद में इसका एंटायर सेशन इंग्लिश मीडियम में आएगा जिसमें आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा इसको अप करेंगे तो बेसिक जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम्स की डिमांड थी सो ये पूरा आपका सेशन हिंदी मीडियम के अंदर यहाँ पे डिजाइन है

तो स्केड को कहा जाता है अनुसूची जो दूसरी अनुसूची के अंदर सम्मिलित नहीं है जो बैंकिंग एक्ट के तहत है वो आपके आ, जाते हैं नॉन शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक अगर हम शेड्यूल बैंक की बात करते हैं तो एक तो होते हैं आपके कॉमर्शियल बैंक और दूसरे हैं कॉपरेटिव बैंक कॉमर्शियल बैंक मतलब जिसे कहा जाता है व्यापारिक बैंक वाणिज्यिक बैंक यही कॉमर्शियल बैंक हैं इसके अलग अलग टाइप्स हैं एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक

तो वो आपका हो जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक एस सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है आप जानते ही हैं प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र के वे बैंक आते हैं जिसके अंदर जो ऑनरशिप या स्वामित्व है वो आपके एक तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं उनका 50 परसेंट से ज्यादा होता है निजी क्षेत्र के लोगों का होता है जैसे आई एक्सिस बैंक आपने नाम सुना होगा ये आपके प्राइवेट सेक्टर है उसके बाद फॉरेन बैंक्स देखिए कुछ बैंक्स होते हैं वो फॉरेंस के होते हैं जैसे आपने नाम सुना होगा सिटी बैंक तो ये इनका हेडक्वार्टर बाहर होता है ये अलग अलग जगह अलग अलग कंट्री के अंदर इनके अ, अलग अलग अ, बैंक सिस्टम होते हैं बैंक्स होते हैं और ये यहाँ का प्रोटोकॉल आर का भी पालन करते हैं और वहाँ जो मैन उनका ब्रांच है फॉरन्स कंट्री के अंदर दोनों के रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और रीजनल रूरल बैंक ये बेसिकली डेवलपमेंट बैंक है जैसे आपने नाम सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक तो ये आपका रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण क्षेत्र विकास बैंक भी कहा जाता है और रूरल बैंक और इस कॉपरेटिव बैंक के अंदर तीन ही डायमेंशन है स्टेट कॉपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्टऑपरेटिव बैंक।, बैंक, बैंक, बैंक और आप देख सकते हैं अदर्स के अंदर बैंक तो आप सिंपल समझ सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे गांव के अंदर आपने नाम सुना होगा सहकारिता के आधार पर जैसे मंथली फैमिली या सोसाइटी के तौर पर भी अलग अलग आ, आ, कमेटी बनती है और जिससे पैसा जमा करना फिर आपको लोनिंग मिलता है इस तरह से कॉपरेशन से जो बात हो रही है उसी की हम बात करें कॉपरेटिव बैंक राजस्थान के अंदर आप देखें तो एपैक्स बैंक जो सहकारी बैंक का सर्वोच्च है सबसे प्रीमियम है जो स्टेट लेवल पे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फिर प्राइमरी लेवल पे आप देख सकते हैं जैसे पी

इनकी अनुशंसा है रिकमेंडेशन से ये आर बना और आर का जो एक्ट है वो आपको याद रखना है आर एक्ट है 1934। उसके तहत इसका जो निर्माण है वो आपका अप्रैल 1935 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका मेन हेडक्वार्टर मुंबई आर बी आई बेसिक आर एक तरीके से इसे सेंट्रल बैंक समझ सकते जैसे हमने बात की थी इम्पीरियल बैंक तो ये एक तरीके से सेंट्रल बैंक है पूरे इंडिया का जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है सब इसके अंडर कंट्रोल होती है रेगुलेशन और कंट्रोल होता है आरबीआई बी आई का हेडक्वार्टर आप जानते ही मुंबई के अंदर और फर्स्ट इसके गवर्नर थे ऑसबोर्ड स्मिथ ये जो इसके फर्स्ट गवर्नर आपके आरबीआई के थे और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी अंडर जो बैंकिंग से इनको लाइसेंस देना बैंकों को लोन देना उसके बाद गवर्नमेंट को लोन ये सब चीजें एक तरीके से रिजर्व बैंक के अंदर आप देख सकते हैं और आपने एक फैक्ट देखा होगा कि जो रुपए जारी करता है आरबीआई के बाद हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे यही बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम आरबीआई ऑफ आरबीआई जैसे मैंने आपको भी बता दिया आरबीआई so के बाद लास्ट आपका एक सेशन रह गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंकिंग के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन महंगाई को रोका जाता है ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि इन्फ्लेशन को रोका कैसे जाए इसके लिए अलग अलग बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आप जानते हैं कि यहां पर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये आपका बैंक रेट से लेकर एम तक बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट सी आर एंड एमएसएफ ये इसके अंदर हमको स्टडी करना है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिससे बाजार के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जाता है और ये किसके द्वारा अलग अलग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि जो भी कॉमर्शियल्स बैंक हैं समझिएगा जो भी कॉमर्शियल्स बैंक हैं वो लोन लेते हैं आर से और बाद में जाके आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कैश फ्लो होता है जो मुद्रा का प्रवाह है वो कैश फ्लो आपके इस मार्केट के अंदर होता है बस यही है इस कैश फ्लो को किस तरीके से रोका जाए या इसे बढ़ाया जाए डाउन और अप कैश फ्लो को किस तरीके से मुद्रा का प्रवाह उसको नियमित किया जाए या रेगुलेट किया जाए कंट्रोल किया जाए इसके अंदर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये इंस्ट्रूमेंट है वो इसके अंदर यूज में आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट की या बैंक दर की हम बात करें तो ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये कॉमर्शियल बैंक से आप जो आपके आर है उससे ये लेते हैं लोन सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी व्यापारिक बैंक है जिस दर पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो शॉर्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बैंक इंटरेस्ट uh, पे जो लोन लेते हैं वो आपका होता है एक तरीके से बैंक रेट या हिंदी में बात करें तो बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दीर्घकाल के लिए ऋण uh, लेते हैं यह आपका हो गया बैंक रेट बैंक रेट के बाद अगर हम बात करें रेपो रेट रेपो रेट को कहा जाता है रिपर्चेस ऑप्शन ऑप्शन भी कहा जाता है बात यही है कि जो आपका कॉमर्शियल बैंक है वो आर से ले रहा है लोन बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो अल्पकाल के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर जिस रेट पर ले रहा है वो आपका हो गया रेपो रेट रिवर्स रेपो, रेपो रेट का मतलब क्या है कि जो बैंक है जो कॉमर्शियल बैंक है उनका जो सरप्लस होता है उस पर भी अगर वो आरबीआई के पास जमा कराएं तो उस पर उनको बैंक को इंटरेस्ट मिलता है वो आपका होता है रिवर्स रेपो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बाद सीआरआर सीआरआर का नाम है कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर बैंक को अपनी निश्चित जमा राशि का जितना उनका अमाउंट है उस अमाउंट का मैक्सिमम जो फिक्स परसेंट है फिक्स भाग है वो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है वो आपका होता है सीआरआर और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो सांविधिक तरलता अनुपात इसका मतलब ये होता है कि बैंक को अपने पास भी निश्चित जमा का कुछ है, आ, कुछ परसेंट है वो गोल्ड और सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है वो आपका एस होता है तो ये एक तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है अब हम इसके डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि ये बेसिक किस तरीके से मार्केट के अंदर ये एक तरीके से पूरा कैश फ्लो है वो कंट्रोल रहता है सो so, फ्रेंड्स जैसे हमने बात कर दी बैंक की ये सिंपल है और बैंक रेट तो आप न्यूज़पेपर्स के अंदर देखते ही अलग अलग आते हैं कि अब बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाई अब हो जाएंगे लोन महंगे ये इस तरीके से जो स्टेटमेंट आता है वो इसी बैंक रेट से रिलेटेड है तो बैंक रेट का मतलब आपको सिंपल याद रखना है कि जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक है वो एक तरीके से जो आरबीआई आरबीआई से जो ले रहे हैं लोन वो भी किसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड के लिए जिस रेट पर लोन लिया जाता है व्यापारिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से उसको आपको कहा उसको कहा जाता है बैंक रेट बैंक रेट के बाद अगर मैं बात करता हूँ रेपो रेट रेपो रेट का मीनिंग भी यही है कि जो कॉमर्शियल बैंक आर से ले रहे हैं लोन बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी शॉर्ट है तो इस दर पर जो लिया जाता है वो आपका होता है रेपो uh, रेट रेपो रेट के बाद रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है कि एक तरीके से जो कॉमर्शियल बैंक है अपना जो सरप्लस है जो जमा अधिक है ये जमा अधिक वो आरबीआई के पास वहां पे जमा कराते हैं जिससे उनको लोन मिलता है तो आपका ये हो गया रिवर्स रेपो रेट अब किस तरीके से लिक्विडिटी मेंटेन होती है जैसे मैंने बात किया कि जैसे आपका रेपो रेट ये जो रेपो रेट है वो कम हो गया सिंपल समझिएगा ये जो रेपो रेट कर दिया कम अब रेपो रेट से कम होने से मतलब क्या है कि जो मार्केट के अंदर जो कैश फ्लो है मार्केट के अंदर जो कैश फ्लो है इस कैश फ्लो को मेंटेन करना और ये कैश फ्लो को मेंटेन करना इन्फ्लेशन को रोकना बेसिक मीनिंग यही है कि मार्केट के अंदर जो मनी का फ्लो है कैश फ्लो है वो एक तरीके से सिमिलर ले और जिससे महंगाई पर कंट्रोल रहे और सबको रोजगार वगैरह जितना भी एम्प्लॉयमेंट है जनरेट होता रहे अब यहां पे रेपो रेट कम कर दिया रेपो रेट जिससे कम करने से फायदा क्या होगा कि जो लोन है वो लोन सस्ते हो जाएंगे यानी जो कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल रहा है आरबीआई से वो सस्ता हो गया अब बैंक को अगर लोन सस्ता पड़ रहा है तो मार्केट के अंदर भी इसका फ्लो बढ़ेगा जो हम जनरल होम लोन व्हीकल लोन ये जो लेते हैं ये भी इसके अंदर चीप हो जाएगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका बिजनेस का एक्सपांशन होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ये सभी रेपो रेट कम करने से होगा अगर आर को लगता है कि मार्केट के अंदर कैश बहुत बढ़ गया है महंगाई को कंट्रोल करना है तो इस रेपो रेट को बढ़ा देगा तो रेपो रेट बढ़ने से बैंक की जो रेट बढ़ जाएगी जहाँ से वो लैंडिंग कर रही है आर से और जिससे क्या बैंक के जितने भी लोन है वो महंगे हो जाएंगे जो आपके लोन महंगे होंगे तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी वो कम हो जाएगी एक तरीके से जो पैसा है वो पैसा मार्केट से खींच लिया जाएगा एक तरीके से या लोगों के पास पहुंचेगा नहीं अलग अलग लोन्स के माध्यम से जो पहुंचता है वो नहीं पहुंचता और मार्केट में इसके अंदर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आता है उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट रे, की बात करें रिवर्स रेट का मतलब क्या है कि जो बैंक है ये बैंकों का जो जमा अधिक है उसको एक तरीके से आरबीआई पर रखने पर आरबीआई लोन देती है आरबीआई से से उनको एक तरीके इंटरेस्ट मिलता है तो अगर रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा बढ़ा देते हैं लोग कौन आरबीआई तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा बैंक अपना जो अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा आरबीआई के थ्रू डिपोजिट कराएगा जिससे क्या होगा कि उनका जो मनी है बैंक का वो आरबीआई के पास जा रहा है यानी एक तरीके से मार्केट के अंदर जो कैश फ्लो है जो मनी है जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी अगर वापस रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा

को मेंटेन करना है तो सी आर आर बढ़ा देगा सी आर आर बढ़ाने से क्या होगा जो बैंक का अमाउंट है उसका ज्यादा परसेंट जो है वो मार्केट में ना जाके आर बी आई के पास जा रहा है तो आर बी आई के पास जा रहा है जिससे क्या होगा मार्केट के अंदर कैश फ्लो होगा नहीं मार्केट के अंदर कैश फ्लो होगा नहीं तो लॉन्स महंगे हो जाएंगे वगैरह वगैरह जो हमने भी चर्चा की जिससे एक तरीके से लिक्विडिटी पे कंट्रोल होगा अगर यही सी आर आर कम कर दिया तो बैंक को एक तरीके से अमाउंट देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के, मतलब के रूप में रखना पड़ेगा परसेंट जो खुद खुद बैंक अपने पास रखता है सीआरआर मतलब आरबीआई के पास पार्क टू आरबीआई तो एस एल आर को अगर डाउन करेंगे तो वही कैश फ्लो बढ़ेगा लोन्स वगैरह और एस एल आर को बढ़ा दिया तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं दे सकते कुल कैश फ्लो से संबंधित है किस तरीके से मार्केट के अंदर कैश फ्लो हो और मैनेजमेंट हो उसको मेंटेन किया जाए इन्फ्लेशन को जैसे बड़ा घटाकर किस तरीके से महंगाई को काबू में किया जाए तो बेसिक हमने बात की इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक्स के अंदर सो so फ्रेंड्स इसको सम हैं